9 to 5 वाली जिंदगी किसी लूप की तरह होती है, जहाँ एक ही काम हर रोज करके हर इंसान थक जाते हैं और कई बार कुछ तूफानी और एडवेंचरस चीजें करने का मन करता है। तो अगर आप कुछ एडवेंचरस ही करना चाहते हैं तो ये मूवीज देख सकते हैं, जहाँ ये 6 एडवेंचरस मूवीज आपके 9 to 5 लूप को ब्रेक करके एक एडवेंचरस अनुभव देगी। नंबर 1, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 2001 की एपिक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसे J.R.R. टोल्किन की बेस्ट नॉवेल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से इंस्पायर होकर बनाया गया है और जिसे पर्दे पर उतारने का काम डायरेक्टर पीटर जैक्सन ने किया है। इस मूवी में फोडो नाम का एक कैरेक्टर है, जिसे डार्क लॉर्ड सौरान की एक जादुई रिंग मिलती है जो लोगों को भ्रष्ट बना देती है, और इसलिए फोडो उस रिंग को तबाह करने के लिए माउंट डूम की ओर चल पड़ता है। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.8 की रेटिंग मिली है। नंबर 2, कॉन्ग द स्कल आइलैंड। कॉन्ग द स्कल आइलैंड 2017 की एक्शन एडवेंचर मॉन्स्टर मूवी है, जो हॉलीवुड की फेमस फ्रेंचाइज किंग कॉन्ग का रिब्यूट है। साथ ही ये मूवी लेजेंडरी पिक्चर्स के मॉन्स्टर वर्स का भी एक पार्ट है, जिसमें गॉडजिला जैसी मूवीज है। इस मूवी में एक जहाज के साथ कुछ लोगों का क्रू एक छुपे आइलैंड की तलाश में जाते हैं, जहाँ पर उन पर एक बड़ी बिल्डिंग जितना बंदर हमला कर देता है, और उस क्रू के बचे लोग उस बंदर और उस आइलैंड में छुपे और भी मॉन्स्टर के बारे में पता लगाते हैं। और इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.6 की रेटिंग मिली है। नंबर 3, डोरा। डोरा 2019 की अमेरिकन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है, जिसे निक जूनियर की टेलीविजन सीरीज डोरा द एक्सप्लोरर से इंस्पायर होकर लाइव एक्शन मूवी में तब्दील किया गया है। डोरा अपने माता पिता का पता लगाने और छुपे हुए सोने के शहर को ढूंढने अपने सफर पर निकल पड़ती है। इस मूवी को IMDb पर 10 में 6.6 की रेटिंग मिली है। नंबर 4, दी मम्मी। दी मम्मी 1999 में रिलीज हुई अमेरिकन एक्शन एडवेंचर हॉरर मूवी है, जिसे 1932 की दी मम्मी को रिब्यूट करके बनाया गया है। यह मूवी प्राचीन इजिप्ट में ले जाती है, जहाँ मम्मी से जुड़े खतरों को एक एडवेंचर के रूप में दिखाया गया है। जब एक आर्कियोलॉजिस्ट कपल के बेटे को ब्रेसलेट और अनुबिस मिलता है, तब उसे पाने के लिए कई लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7 की रेटिंग मिली है। नंबर 5, नेशनल ट्रेजर। नेशनल ट्रेजर 2004 की ऐतिहासिक एडवेंचर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में हॉलीवुड के घोस्ट राइडर निकोलस केज नजर आते हैं। इस मूवी के लीड कैरेक्टर का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स, जो अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए सुरागों से दुनिया के सबसे बड़े खजाने को ढूंढना चाहता है। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.9 की रेटिंग मिली है। नंबर 6, टॉम राइडर। टॉम राइडर 2018 की एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे 2013 की मशहूर गेम टॉम राइडर से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस मूवी की लीड कैरेक्टर है लारा क्रॉफ्ट। लारा क्रॉफ्ट एक साहसी लड़की है, जो अपने पिता के रहस्यमय तरीके से गायब होने की वजह से अपने पिता को ढूंढना चाहती है। इस मूवी को IMDb पर 10 में से 6.3 की रेटिंग मिली है। दोस्तों, इन सब मूवीज में से जो मूवीज YouTube पर अवेलेबल है, उस मूवीज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।